आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की। राखी सावंत उमराह के बाद मदीना से वापस लौट चुकी हैं। राखी ने इसी दौरान खुद को फातिमा नाम से बुलाने की लोगों से गुजारिश की थी। अब एयरपोर्ट पर लोग उन्हें फातिमा कहकर पुकारते हुए भी दिखे और उन पर फूल मालाओं की खूब जमकर बारिश भी होने लगी। हाल ही में आदिल दुरानी को लेकर कंट्रोवर्सी में रही राखी सावंत पिछले दिनों मदीना रवाना हुई थी। उमराह के बाद राखी अब वापस मुंबई लौट आई है। एयरपोर्ट वाले वायरल वीडियो में लोग उसे फातिमा कहकर पुकारते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल राखी ने खुद को अपने इंस्टाग्राम वीडियो में कहा था कि मुझे फातिमा कहो। अब वह राखी का एयरपोर्ट लुक हर किसी को हैरान कर रहा है। अक्सर कम कपड़ों में नजर आने वाली राखी सावंत यानी फातिमा उमराह के बाद एयरपोर्ट पर अपने अलग झलक अवतार में नजर आ रही हैं। सिर से पैर तक ढके सफेद लिबास में राखी सावंत पर यहाँ फूलों की बारिश होती हुई दिख रही है। राखी के गले में उनके हाथों में फूल की मालाएं लोग पहनाते हुए दिख रहे हैं। पीछे से आवाज भी सुनाई देती है, फातिमा जी को फूल पहनाइए। राखी पिछले दिनों उमराह करने मक्का के मस्जिद अल हरम पहुंची थी। वहां से उन्होंने अपनी तस्वीरें और वीडियो भी शेयर किए थे जिनमें वह फैंस को कहती दिखी थी, मुझे फातिमा कहो, फातिमा हूँ मैं। और वहीं से उन्हें लोग फातिमा कहकर बुलाने लगे। इस ट्रिप पर वह अपने राखी ब्रदर वाहिद अली खान और उनकी वाइफ शाइस्ता के साथ गई थी। राखी ने अपने वीडियो में कहा, मैं अल्लाह से दुआ मांगी कि सभी खुश रहें। मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया। राखी सावंत यानी फातिमा के एयरपोर्ट वाले वीडियो पर लोगों ने खूब कमेंट भी किए हैं। एक ने कहा, अब यही देखना बाकी रह गया था। तो यही दूसरे यूजर्स ने कहा, बॉलीवुड की खूंखार बुआ जी। एक अन्य यूजर्स ने कहा, मुस्लिम बनने को लेकर ये ड्रामा बंद करो, तकलीफ होती है। तो एक और ने कहा, तुम्हें शर्म आनी चाहिए राखी। वहीं पे एक और पत्रकार ने उनसे सवाल भी किया, क्या आपको हिंदू धर्म में क्या बुराई लगी जो आपने मुस्लिम धर्म को अपनाया। देखिए पूरी रिपोर्ट। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।